पटना में भीषण चोरी, ज्वेलर्स दुकान का शटर काटकर लाखों का ज्वेलरी उड़ा ले गया चोर, तो वहीं जनरल स्टोर से लाखों नकदी और सामान पर चोरों ने किया हाथ साफ। जी हां, एक ही रात थाना से चंद कदमों की दूरी पर दो दुकानों को चोरों ने निशाना बनाया और लाखों का सामान और नकदी लूट ले गया। घटना गोपालपुर थाना की है, जहां संपत चक बाजार में बीती रात चोरों ने दो दुकान को निशाना बनाया। स्वर्ण शिल्प ज्वेलर्स का शटर काट कर करीब 3 लाख का ज्वेलर्स चुरा ले गया और नकदी पर भी चोरों ने हाथ साफ कर फरार हो गया। तो वहीं हर्ष जनरल स्टोर से 6 लाख कैश और 50,000 का सामान पर हाथ साफ कर फरार हो गया। जबकि गोपालपुर थाना की दूरी चंद कदमों की है और पुलिस को भनक तक नहीं लगी और चोर आराम से शटर काटा और चोरी की घटना को अंजाम दिया और फरार हो गया, जिससे पुलिस की पेट्रोलिंग पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। दुकानदारों में दहशत मचा है। कुछ घटना हुआ है आपके दुकान में? टोटल चांदी का आइटम 3 लाख के आसपास का चोरी हुआ है और 10,000-15,000 रुपये कैश। अभी तक CCTV फुटेज की जांच हुई है क्या? नहीं, अभी तक थाना में कोई कंप्लेंट वगैरह? थाना में कंप्लेंट दिया था तो थाना आके घूम कर चला गया। क्या बोला थाना से, क्या आश्वासन बोला? बोले कि आगे CCTV कैमरा वाला एक्सपर्ट तो आके देते हैं। कब बोले CCTV कैमरा एक्सपर्ट आएंगे? आधा घंटा पहले वो बोले कि 8:30-9 बजे तक आएंगे। 8:30-9 बजे तक आएंगे। कौन सा दुकान है आपका? स्वर्ण शिव ज्वेलर्स। ज्वेलर्स का दुकान है? क्या नाम हुआ? संजीव कुमार। जानकारी मिला है हमको रात में घर बंद कर गए थे तो हम सुबह हमको घर बुलाने गया कि दुकान में चोरी हो गया, तब हम सुबह आए दुकान में देख रहे हैं तो सामान 50,000 रुपये से ऊपर का आया था, कैश पैसा मेरे 6 लाख रुपये का है। क्या कुछ थाना में कंप्लेंट? थाना में कंप्लेंट किए हैं, बढ़वा हुआ है वेरीफाई करने के लिए। कुछ फुटेज की जानकारी दे दो, कभी देखे हैं? जांच हुआ अभी तक? नहीं, अभी कुछ नहीं किया। नहीं, कंप्लेंट दे दो, FIR कर दिया है? हाँ, बोले हैं कि थोड़ा देर में मार्केट देख लेते हैं। कौन सा दुकान का नाम क्या हुआ? हर्ष जनरल स्टोर संपर्क चक है। क्या चीज़ का दुकान था ये? जनरल स्टोर। जनरल स्टोर थोक या खुदरा? थोक।